दीमा, हमारे कहने से आप यहाँ रुक गए। आप जानती नहीं हम कितने प्रसन्न हैं। अरे आपके लिए कैसे नहीं रुकते हम, आप तो हमारी प्यारी प्यारी पोती है ना। एक बात पूछे आपसे, आप हमें सच सच बताएंगे? आप हमसे कुछ छुपाएंगी तो नहीं ना? अच्छा फूल, आपको ईर्ष्या नहीं होती है मन ही मन अजब देश? देखिए हम आपकी दादी है ना, और आज तक आपने सब कुछ साझा किया हमसे। आप जानती है ना कि आपकी दादी आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आप चाहे तो कुछ भी करके हम इस विवाह को रुकवा सकते हैं। आप सिर्फ एक बार कहिए हमसे। दादी आप अभी उन पुरानी बातों पर अटकी हुई हैं। हम तो कब का उन बीती बातों को भुला के अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, और अच्छा यही होगा कि आप भी उन बीती बातों को भुला के अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। हम आपके पास बाद में आएंगे, इस समय हमें अजब और कुंवर प्रताप के विवाह के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। भगवान कहां फंसा दिया हमें इस दादा पोती के बीच में, दोनों के दोनों हटी, हम बेकार में बीच में फंस गए। समझ में नहीं आता इस विवाह को हम कैसे रोके। एक हमारी आस थी हमारी बहन, उसने भी हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया, वो भी ऐसी संकट की घड़ी में। आप निकल जाइए यहां से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। शांत हो जाइए जीजा, समझने का प्रयास, हमें आपका मुख नहीं देखना है, चली जाइए। जीजा वहां सबके सामने सच खुलने वाला था, हमने जो कुछ भी किया वो। चुप हो जाइए, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आप हमें इस तरह से फंसाएंगे। तुरंत तुरंत चले जा। आपने देखा ना वहां क्या हुआ, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था। पहले भी बता चुके हैं आपको कि अब महल में पहले जैसा हमारा दबदबा नहीं रहा। न जाने कहां से राणा जी और जयवंता बाई जी के बीच में अचानक अद्भुत प्रेम और विश्वास आ चुका है। और अजब ने देखा ना उनको कैसे देख रही थी हमें। उन्होंने तो घर में आने से पहले ही ये जता दिया है कि वे हमें भीतर से जानती हैं। अब आप ही बताइए जीजा कि आपसे निष्ठा बदलने के अतिरिक्त हमारे पास कौन सा विकल्प था। क्या चाहती हैं आप, आपकी बहन को उसके ससुराल से निकाल दिया जाए? अरे घर से तो हमें निकाला जा रहा है। क्या राणा जी, एक बात पूछनी थी। ये जीजा को कर पूछ रहा हूं मामला जी। राणा जी, चित्तौड़ के बाहर का जो महल है जिसका प्रस्ताव आपने राजा मालदेव के पास रखा है। सेंथी महल जी, वही। क्या हम अजब देव का विवाह वहीं कर सकते हैं? वो सेंथी महल हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है और बिजोलिया के महल से अधिक ऐतिहासिक भी है। लाओ मामला जी, आप तो ऐसे झिझक रहे हैं मानो आपने हमसे हमारा राजपाठ मांग लिया। चलिए ठीक है, तो ये तय रहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह सेंथी महल से ऐसे करेंगे जैसे आप अपने महल से कर रहे हैं। बल्कि हम तो स्वयं आपको ये सुझाव देने वाले थे। ऐसा करते हैं, कल सुबह भोर होते ही हम सब एक साथ चित्तौड़ के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर जयवंता बाई जी और हंसा बाई जी विवाह के लिए तैयारियां भी एक साथ कर लेंगे, ठीक है? जी राणा जी। राणा जी, यदि महारानी जयवंता बाई जी और हंसा मासी जी हाथ बताना चाहें तो बता सकते हैं, किंतु अजब दे के विवाह की व्यवस्था तो हम ही करेंगे। ठीक है। हंसा मासी जी, क्या हुआ? वो फूल, हम ये सोच कर भयभीत हो रहे थे कि यदि विवाह की तैयारियां आप संभालने वाली हैं, तो फिर हो गया हमारी पुत्री का विवाह।
आपको वहां लेकर इस विवाह को रोकना है। जब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। इतनी बड़ी शर्त रखती राजा मालदेव जी ने आपके सामने, से आपको क्या अंतर पड़ता है? वैसे भी हम आपसे कोई सहायता की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते ना। आप हमसे सहायता की अपेक्षा रख सकती हैं जीजा, वैसे आप हमारे लिए एकमात्र परिवार हैं, वैसे हम भी आपके लिए एकमात्र परिवार हैं। ये समय आपस में झगड़ा करने का नहीं है जीजा, आगे देखने का है, विशेषकर तब जब राजा मालदेव जी ने आपके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तो क्या इस बार आप हमसे छल तो नहीं करेंगे ना? वचन देते हैं आपको, तो आइए अब हम दोनों बहनें अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि इस विवाह को कैसे रोकें। प्रताप है ये जीती जाती मौत है, ये पीछे हट जाइए जलाल, जलाल, जलाल। क्या हुआ हुजूर, कोई तकलीफ? इसी वक्त जाना पड़ेगा वहां, इसी वक्त। हुजूर, इस वक्त आपके लिए कहीं भी जाना मुनासिब नहीं होगा, आपको आराम की सख्त जरूरत है। सीने में काफी गहरा घाव हुआ है, बादशाह सलामत के घोड़े ने बड़ी सख्त चोट पहुंचाई है आपके सीने में। जलाल, हम आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं जलाल, हम आ रहे हैं। छोटी सी उम्र में बनाई रे माता सा, कलियों में गाये सो विदाई करने गाने लगे। अरे पहले विवाह तो हो जाने दीजिए हमारी सखी का, सगाई में विदाई की। सौभाग्यवती कुछ भी मत बोलिए। अच्छा बढ़िया ही पंडित आई, ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने? और फूल ये सब विदाई गीत इसलिए गा रही क्योंकि अजब भी इस घर से अर्थात अपने मायके से अपनी माँ के घर से कल सुबह चित्तौड़ के लिए जा रही हूँ, अर्थात इनकी विदाई हो रही, इसलिए ये सब विदाई गीत गा रही। सुन सकते हैं?
स्त्रियों के बीच में, संगीत में? क्यों? कोई काम था क्या कर प्रताप? वो अब हम जा रहे हैं ना, तो चित्तौड़ जाने से पहले खमागणी कहने चले आए, बस। अच्छा अच्छा, तो आप सबको खम्मा घड़ी कहने आए थे। ठीक है, चलिए चलिए, सब कुंवर प्रताप को खम्मा घड़ी कहिए, कहिए खम्मा घड़ी। घड़ी खम्मा। आप सब ऐसे क्यों कर रहे हैं इनके साथ? अच्छा, कुंवर प्रताप आपसे विवाह करने वाले हैं, विवाह। इतनी शीघ्र हार मान जाएंगे तो कर लिया इन्होंने विवाह। चलिए चलिए, कुंवर प्रताप पधारे, आप सब बाहर चलिए। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हैं जूते? हमें लगा सब जा रहे हैं इसलिए हमें भी चलना चाहिए। किंतु आप सब में नहीं आती क्योंकि आप तो गिदड़ी है ना। चलिए चलिए, वैसे आप जिस स्तर के युवत हैं उस स्तर के मंगेतर नहीं है। जानते हैं आवश्यकता थी, आप हमें संकेत भी तो दे सकते थे ना कुंवर प्रताप। कितना संकेत देते शिप्र, और कब तक देते संकेत? आप तो अपनी सखी के साथ बातचीत करने में इतनी व्यस्त थी कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जा रहा था आपका। क्या करते हम? अच्छा, अब अपनी सखी से बात करना भी अपराध हो गया? बात कीजिए पर इतना डूब कर। तो अब आप हमें बताएंगे कि हमें किससे कितनी डूब कर बात करनी है? नहीं नहीं, पर जो संकेत दे रहा है उसे भी तो देखिए। देखिए कुंवर प्रताप, यदि हम बातचीत में डूबे रहेंगे तो हम इधर उधर के संकेतों पर कैसे ध्यान देंगे, और यदि हम इधर उधर के संकेतों पर ध्यान देंगे तो हम बातचीत में कैसे डूबेंगे? तो फिर हम क्या करें? वही जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हमसे झगड़ा। जल्दी आ जाएगा चित्ता अपने घर। सोचेंगे। ठीक है, तो फिर जब आप सोच ले तब हमें बता दीजिएगा, तभी हम देंगे आपको रानी माँ के हाथों भिजवाया शगुन। एक शगुन? रानी माँ ने हमारे लिए शगुन भिजवाया? दिखाइए। सोच लीजिए। दिखाइए। आप केवल देखने में ही छुई हुई है, वैसे तो बहुत शक्ति है आप में। कैसे ले लिया गणपति हमारे हाथ से? इन्होंने ही तो दी है हमें शक्ति, अन्यथा हमारी क्या बिसात तो हम कुंवर प्रताप से जीते। आपकी जीत में ही तो हमारी जीत है।
चंगेजे और खबीस की औलाद चंगेजे बाहर निकल। घंटे से आप रियासत में बैंडअप से खुश था, क्या जगा मुझे चंगेजी के खौफ से? इस तरह क्या वागिनों ने अपनी अपनी मौत को गले लगाया है? तुम जमीन के वाशिंदों को अपनी मौत का जरा भी खौफ नहीं है क्या? अपनी औकात में रहे चंगेजी। शायद अब तक तू अपनी आबे इबादत से बाहर नहीं आया है। मसला क्या है? मुगल सल्तनत खतरे में है चंगेजी, और शहंशाह की जान भी खतरे में। खतरा किससे है? इससे पहले के शहंशाह जलाल और प्रताप मैदान जंग में मिले, तुझे प्रताप को खत्म करना होगा। आमीन चंगेजी। वर प्रताप की जय। 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 राणा उदय सिंह की जय। राणा उदय सिंह की जय। राणा उदय सिंह की जय। वर प्रताप की जय। वर प्रताप की जय। प्रजा के ऐसे उत्साह भरे स्वागत को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम सगाई करके नहीं कोई दुर्ग जीत कर आए हैं। एक बात कहें कुंवर प्रताप, सगाई करना, विवाह करना, ये दुर्ग जीतने से भी बड़ी विजय है। कुंवर प्रताप, अपनी प्रजा का आदर पूर्वक स्वागत और सम्मान स्वीकार कर ले, तब तक हम भीतर जाकर विवाह की तैयारियां आरंभ करते हैं। गिरजा जी, सेंथी महल अतिथियों के लिए तैयार हो चुका है। जी महारानी सा, रावत जी आज अपने बाईसा के परिवार वालों के स्वागत के लिए महल में आ चुके हैं। उमा जीजा भी तो है उस परिवार के साथ, वे उनका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, हम जानते हैं ना। गौर प्रताप की जय। 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 ऐसा ध्यान रखेंगे हमारी उमा जीजा, सब कुछ हो जाएगा, बस विवाह नहीं हो पाएगा आपके पुत्र का।
हनी खम्मा मामा बच्चे खम्मा गणी अजब दे अब आपका विवाह एक राजघराने में होने वाला और वो भी एक राजकुमार से इसलिए अब आपको राजघराने के सारे रीति रिवाजों पे चलना पड़ेगा इसलिए हम बिना आरती के आपको अंदर बिल्कुल नहीं आने देंगे पधारिए राव मामरख जी स्वागत है आपका सेंथी महल में चुंडावत जी आप कैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं आप तो लड़के वाले हैं स्वागत तो हमें आपका करना चाहिए राव मामरख जी कैसे नहीं करेंगे हम आपका स्वागत अजब दे के मामा जो हैं हम मामा कब से राव मामरख जी हमें भली भांति ज्ञात है कि अजब दे के कोई मामा नहीं और तिलक की रसम तो लड़की के मामा ही निभाते हैं तो हम हैं ना अजब दे के मामा के रूप में अंसा बहन सही कहा ना हमने ये लीजिए हंसा बहन ये राखी हमारी कलाई पर बांध दीजिए और ये औपचारिकता भी पूरी कर दीजिए आइए हंसा बहन बात है बाबूजीराज क्या हुआ कुछ बात है क्या और प्रताप आपका ध्यान कहाँ है सारी प्रजा आपको आशीर्वाद दे रही है आपकी जय जयकार कर रही है और प्रताप जीराज क्या हो गया आपको राजीराज कोई है यहाँ कोई है यहाँ राजीराज हम स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कोई है यहाँ और प्रताप यहाँ आपकी प्रजा है जो आपको आशीर्वाद दे रही है जो आपके लिए मंगल कामनाएं कर रही है और आप उन्हें प्रति उत्तर ना देकर विस्मित कर रहे हैं दुखी कर रहे हैं
ये बात कीजिए उनसे। हमारी प्रिय प्रजा, आप सब दुखी ना हो, आप सभी तो हमारा गर्व है, शक्ति है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारा आत्मबल है। गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! आप सभी के पास राजकीय निमंत्रण पत्र तो पहुंच ही जाएगा, किंतु हम यहाँ स्वयं आप सबको अपने परिवार सहित हमारे विवाह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! गौर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप नहीं रहे। एक बात तो माननी पड़ेगी कुंवर प्रताप, कि आप चुटकियों में सारी प्रजा को अपने साथ ले लेते, किंतु एक बात बताइए, वहां अचानक आपको हो क्या गया था? आपको देखकर ऐसा लग रहा था मानो आपने किसी भूत को देख लिया, क्या हुआ था? पता नहीं राजीराज, हमने अपने हाथ पर एक ऐसा लेजा सा स्पर्श अनुभव किया कि हम आपको बता नहीं सकते। लग रहा था जैसे किन्हीं केशों और सांपों के ढेरों में चला गया हो हमारा। सांपों के ढेर? हमको समझे नहीं कौन पता। एक लीजिए, अभी तक ऐसी दुर्गंध। हम यही पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन था, और हम पता लगा कर ही रहेंगे दाशीराज कि वो कौन था, क्या था और क्यों था। शांत हो जाइए कुंवर, हो सकता है कि साधारण प्रजाजनों के साथ वहां कुछ मछुआरे भी आए हों जो घंटों तालाब में मछलियों के लिए बैठे हैं। उनके हाथों से भी इस तरह की गंध आती, हो सकता है कि उन्हीं में से किसी का हाथ आपको लग गया। चिंता मत कीजिए, वैसे अब हम चलते हैं, आपकी माताएं हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ये चुनरी चित्तौड़ के सभी साधारण नागरिकों ने अपनी ओर से कुंवर प्रताप की बीनती के लिए सब प्रेम भेंट भेजी है। कितना प्रेम करती है कुंवर प्रताप की प्रजा उनसे। कितनी सुंदर लग रही है हमारी अजब्ते इस चुनरी में। हमें तो भय है कि कहीं हमारी नजर ना लग जाए इनको। और ये क्या है? हमें आपकी नजर उतारनी है, इसलिए चुपचाप अपने स्थान पे बैठ रही है। भूल किंतु हमें नजर किसकी लगी है? अच्छा दे, नजर लगाने वाले लोग सदा अपनों के विष में आसपास घूमते रहते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे और अपने स्थान से हिले कभी मत। हमें नजर उतारने दीजिए। अरे ये सब क्या रानी माँ? आपकी नजर उतारनी है। नजर उतारनी? हम कोई युद्ध जीत क्या है क्या? इन्हें रहने दीजिए, आप आरंभ कीजिए। किंतु रानी माँ, हमारे प्रश्न का तो उत्तर किसी ने दिया ही नहीं।
क्यों उतारी जा रही है हमारे नजर? उफ, इतने प्रश्न पूछते हैं। माना कि आप युद्ध भूमि से नहीं आ रहे, पर बाहर से तो आ रहे हैं ना। नहीं आपको किसी की नजर लग गई तो? और वैसे भी शत्रुओं का क्या है, तो कहीं भी हो सकते हैं। कैसी बातें कर रही आप छोटी मां? बिजोलिया में हमारा शत्रु हो नहीं सकता, और हमारी प्रजा में हमारे किसी शत्रु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा मान लिया कि आपका कोई शत्रु नहीं, पर यदि हमारा हुआ तो? क्या? वो क्या है ना कुंवर प्रताप, पहले तो आप सिर्फ एक परिवार के सब कुछ थे, पर अब दोनों परिवार के सब कुछ होने जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि कहीं दूसरा परिवार अपने स्नेह जाल में दबोच कर आपको अपना ना बना ले, इसीलिए आपकी नजर उतार रहे। रानी माँ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि छोटी माँ इन सभी बातों पर इतना विश्वास करती है। रानी माँ भी यही सोच रही है। देख रहे ना दाजीराज, दबोचने की तो अब पूरी व्यवस्था हो चुकी है कुंवर प्रताप। आप जितनी चाहे नजर उतरवा लें, बचेंगे नहीं। देखो सभी उपहारों पर चंदन लगी मोली ही लगाना, समझ गई ना तुम सब? देखिए ना, फूल ने हाथों धुआं ही धुआं कर लिया है। फूल, ऐसा भी क्या हो गया जो आप बार बार अजब देखी नजर उतार रही हैं? मासी जी, आप पूछ रही हैं क्या हुआ, आप ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। जब से अजब देखी सगाई हुई कुंवर प्रताप से, इनका आचार व्यवहार तो विचित्र ही होता जा रहा है। जब हम इनसे पूछते हैं कि इनके विवाह में इनको कौन सी कढ़ाई का लहंगा बनवाना है, तो ये उल्टा हमसे सवाल करने लगती है कि महारानी जयवंता बाई जी के वस्त्र तैयार हुए या नहीं। और फिर हम इन्हें प्रेम से समझाते हैं कि अजब थे वीर चित्तौड़ की महारानी है, उनके वस्त्र हो जाएंगे तैयार, कभी भी कैसे भी उनका काम तो होना ही है। उसके बाद अजब थे हमें विवश कर देती है वस्त्रकार भिजवाने के लिए। ये बात हो गई, उसके बाद ये इस सोच में डूब जाती है कि चित्तौड़ की प्रजा उसकी प्रेम और उसके स्नेह का ये प्रत्युत्तर कैसे देंगी। अब तो हमें ये भय लग रहा है हंसा मासी जी कि अभी ये सोचने ना लग जाए कि इतनी लंबी यात्रा में कुंवर प्रताप और उनके परिवार ने विश्राम किया होगा या नहीं। हाँ बोल, कुंवर प्रताप ने ठीक से विश्राम किया है या नहीं? देखा देखा ना मासी जी आपने, हमें जिस बात का भय था वही होता जा रहा है, और आप है कि चुपचाप खड़ी हुई है, कुछ बोल भी नहीं रही। मासी जी आप हंस रही हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? संभवतः चित्तौड़ के किसी ने ना हमारी सखी पर जल जोना करवा दिया, उन्हें सम्मोहित कर दिया है। अन्यथा सगाई से पहले तो हमें और अपने गाय लक्ष्मी के अलावा किसी पर ध्यान भी नहीं देती थी, किसी के बारे में सोचती भी नहीं थी। नहीं नहीं फूल, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि अजबते का शरीर भले ही हमारे साथ क्यों ना, किंतु इनका मन पूरी तरह से कुंवर प्रताप और उनके परिवार वालों के पास चला गया। माँ आप ही ना। हे भगवान, इसका अर्थ हुआ कि वे लोग जीत रहे हैं। दासी जा और जाके मुट्ठी भर मिर्ची लेकर। सुनो, वो तिलक का सामान किस कक्ष में है? मतलब कि वो सामान जो लड़की की ओर से जाना है कुंवर प्रताप को। हंसा भाई साहब ने मुझे स्पष्ट मना किया है कि मैं किसी को उस कक्ष के निकट न जाने दूं। तुम हमें रोकोगी? हमें? ये और बात है कि हम मारवाड़ की महारानी हैं और हम बड़ी बहन हैं रानी धीर बाई के, और हम कुंवर प्रताप को अपना पुत्र समान मानते हैं, और अपने गरिमा के अनुसार हम उन्हें भेंट देना चाहते हैं, और हम उस भेंट का प्रचार नहीं करना चाहते, बस इसीलिए पूछ रहे थे उस कक्ष के बारे में। हमें हमारी दृष्टिता के लिए क्षमा करना रानी साहब, आइए हम आपको दिखाते हैं तिलक के समान वाला कक्ष।
यहाँ से हमें अलग अलग महलों में रहना होगा। आप रहेंगे चित्तौड़ वाले महल में और हमें रहना होगा जब्दे के परिवार वालों के साथ। आप लड़की वालों की ओर से अपशकुन करवाना और हम लड़के वालों की ओर से। देखते ही देखते दोनों स्वाभिमानी राजपूत परिवारों के बीच तलवारें खींच जाएंगी और वे इस विवाह को भंग घोषित करते हैं। सामान यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वही नहीं जो हम चाहते हैं। आप यहाँ? अब जब आपने यहाँ देख ही लिया है तो आपसे छिपाने से क्या लाभ कि हम यहाँ क्यों आए? अच्छा बताइए जब आपको हमारे कंगन कैसे लगे? बताइए बताइए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो अब ये कंगन आपके हो? नहीं नहीं, हम ये आपसे कैसे ले सकते हैं महारानी जी? हम जानते थे कि जब हम आपसे पूछेंगे तो आप यही कहेंगे, इसलिए हमने सोचा कि चुपचाप इन कंगन को आपके तिलक वाले सामान में रखवा देते हैं बिना किसी को बताए। तो जब आप ससुराल जाएंगे तो अन्य आभूषणों के साथ आप इन कंगनों को बड़े सरलता से पहन पाएंगे। यदि आपको हमें इसे पहनाने का इतना ही शौक है तो आप अपने हाथों से इसे क्यों नहीं पहना देती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। रामन पुत्री, तुम्हारे निर्धन माँ बाप ने जो सारे स्वर्ण आभूषण दिए ना आपको, ये सब मिलकर भी हमारे एक कंगन के मूल्य के भी बराबर नहीं होंगे। हे भगवान, देखो तो हमारे ही हाथों हमारे बहुमूल्य कंगन जा रहे हैं। अजब दी, यहाँ आए आप? कब से ढूंढ रहे थे हम आपको? अच्छा चलिए, अब आपके तिलक की श्रृंगार करने का समय हो गया, चलिए चलिए आइए। बहुत हंसी आ रही है, अगर इसकी किलकारियों को हमने आंसू में नहीं बदला तो हमारा नाम भी उमा देवी है। बड़े घराने में संबंध करके इतनी प्रसन्नता हो रही है ने जैसे कि ये महारानी बन गई। अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि दोनों परिवारों के बीच तलवारें खींचेंगे।